हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल में मैक्रो रिलेटेड एक और वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जो पिछले मैक्रो वीडियो में डेटाबेस मैनेजमेंट का पार्ट वन तैयार किए थे, जिसके अंदर हम लोग एक डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब डेटाबेस क्रिएट करने का एक सॉफ्टवेयर जैसा डेवलप किए थे एक्सेल में मैक्रो के थ्रू, उसी का पार्ट टू है जिसके अंदर हम लोग जो डेटाबेस तैयार किए हैं उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, मतलब उस डेटाबेस में से डिटेल्स को फेच आउट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फेच आउट करने के लिए तीन तरीके का एग्जाम्पल यूज़ करने वाला हूँ। नंबर वन, एक है इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस नंबर ऑटो अपडेटेबल है, मतलब हमारे यहाँ पे डेटाबेस में जैसे मैंने डमी 20 इनवॉइस का एंट्री करके रखा है, तो जैसे कि यहाँ पे जैसे ही कोई एंट्री अपडेट होगा वो वाला इनवॉइस नंबर हमारे यहाँ पे एक्सेस करने के लिए ऑटोमेटिकली अप टू डेट हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो इनवॉइस नंबर यहाँ पे है उसके बेसिस पे ये जगह पे उसका पूरा डिटेल्स दिखेगा, ठीक है। एंड तीसरा है एक कस्टम डेट फिल्टर, मतलब अगर हमें कभी डेट वाइज कोई डिटेल्स जानने का ज़रूरत पड़े कि इस डेट रेंज में मेरा कितना सेल हुआ या फिर कितना जो भी डिटेल्स है डेटाबेस में से वो डिटेल्स का यहाँ पे एंट्री। तो जैसे देखिए यहाँ पे फिलहाल 20 तक एंट्री है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक को लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे अप टू डेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वन, तो देखिए यहाँ पे एच डी क्रिएशन पार्टी है। अगर मैं यहाँ पे टू लेता हूँ तो देखिए नैना अग्रवाल, अगर मैं डेटाबेस में जाके चेक करूं तो INV जो ये है वो इसी चीज का है, ठीक है। तो नंबर दो तो यहीं पे पता चल गया। तीसरा है डेट रेंज, कि मैं यहां पे कस्टम डेट वाइज काम कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे डेट रेंज दिया 1/1/2020 से 31/5/2020 तक, ओके, एंड क्लिक ऑन सर्च। तो देखिए हमारे यहाँ पे 1/1/2020 से 31/5 तक जितना भी एंट्री है, फिलहाल तो यहाँ पे 1/5 तक एंट्री दिख रहा है क्योंकि मेरे डेटाबेस में 1/5 तक का ही एंट्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होगा ये चीज़ आज हम लोग तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आप ये पूरा चीज़ को सीखना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने इसका जो प्रोफोमा है, मतलब इसका जो बेसिक बस ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये इनवॉइस नंबर डेट वेट, मैं बस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी ये सारा चीज़ें क्रिएट करके रखा हूँ। बस सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। ये सारा चीज़ इवन ये जो बटन है ये भी असाइन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ये सारा चीज़ को अभी तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है हमारा इनवॉइस नंबर, कि इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली किस तरीके से आएगा। तो उसके लिए बेसिकली हमें डेटाबेस को डायनामिक बनाना पड़ता है। और अगर आप हमारे जो एक्सेल का बेसिक कोर्स है वो कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि जो टेबल होता है वो टेबल होता है एक्सेल का ऐसा एक फीचर जो ऑटोमेटिकली डेटाबेस को डायनामिक कर देता है। इसीलिए हम लोगों ने बस जो डेटाबेस है उसको टेबल में कन्वर्ट करके रखा है। आप बोलोगे कि सर आपने तो पहले एंट्री मतलब जो पहले डेटाबेस तैयार किए थे वो डेटाबेस तैयार कर लिए थे, उसके बाद क्या आपने तैयार किए? ऑब्वियसली उसके बाद ही आप उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे, पहले टेबल में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले जो हम लोगों का जो पार्ट वन का वीडियो था जिसके अंदर हम लोग बस वो डेटाबेस का एंट्री का फॉर्म बनाए थे वो फॉर्म तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो डेटाबेस है उसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है टेबल में कन्वर्ट, जो टेबल में कन्वर्ट मैंने ऑलरेडी करके रखा है। सेकेंड स्टेप है हमें ये जो इनवॉइस नंबर है, क्योंकि अभी मैं इस सीट को पहले ला लेता हूँ क्योंकि मुझे इस सीट के ऊपर काम है। तो ये जो इनवॉइस नंबर का फील्ड है यहाँ पे हमें तैयार क्या करना है, ऐसा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, राइट। अब ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए हमें किस चीज़ का ज़रूरत है, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का। तो उसके अंदर जब ये नाम हम लोग देंगे, मतलब ये जो डेटाबेस में जो डिटेल्स है ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली अप टू डेट होना चाहिए, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा नेम रेंज। हम लोग ऑलरेडी बेसिक कोर्स में नेम रेंज के रिलेटेड वीडियो बना के रखे हैं, तो अगर आप वो नहीं देखे तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक उसका नाम मेंशन करेंगे। तो चलिए एक नाम मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ INV लिस्ट, इनवॉइस लिस्ट, ओके। तो मैंने एक नाम मेंशन कर दिया। मैं ये जो रिपोर्ट है इसको बनाने के लिए भी एक नाम यूज़ किया था जिसका नाम मैंने रखा था INV नंबर। मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर में मैंने ऑलरेडी INV नंबर से एक यूज़ किया था, सेम जगह मैंने दूसरा नाम मेंशन क्या किया, इनवॉइस लिस्ट। तो मैं ये इनवॉइस लिस्ट के ऊपर काम करूंगा अभी।
तो अभी हम लोग चले जाएंगे हमारे काम पे। तो यहाँ पे हमें लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर, जो हमें शॉर्टकट की ऑल्ट ए वी वी से भी मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो डेटा टाइप में जाके डेटा वैलिडेशन के अंदर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है लिस्ट, एंड यहाँ पे हमें सिंपली उस नाम को मेंशन करना है। अब नाम मेंशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे F3। F3 का मतलब होता है पेस्ट नेम। तो जो भी नाम हमें हमने वर्कबुक के अंदर मेंशन किए हैं, वो सारे नाम का यहाँ पे हमें लिस्ट दिखेगा। इसमें से जो नाम हमें चाहिए उस नाम को हम लोग यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से इनवॉइस लिस्ट का नाम चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो नाम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एंड हिट ओके। तो देखिए हमारे सामने एक लिस्ट जनरेट हो चुका है, जिस जगह पे हमारा जो डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स दिख रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये लिस्ट ऑटोमेटिकली मतलब मैंने टेबल से यूज़ किया है, तो अगर मैं कोई एंट्री करता हूँ, तो जैसे हमें पता है कि हमने टोटल INV मतलब इनवॉइस नंबर 20 तक एंट्री कर चुका हूँ, तो मैं एक इनवॉइस 21 का एंट्री करता हूँ, देखता हूँ वो चीज़ हमारे उसके अंदर एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो चलिए एक एंट्री करते हैं, डेट मैं कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल, इनवॉइस नंबर डालता हूँ INV/021, पार्टी नेम मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए नैना को यूज़ कर लेता हूँ, ओके, एंड इनवॉइस अमाउंट पे कोई भी अमाउंट लिख देता हूँ 45,000, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आगरा, राइट, क्लिक ऑन सेव। तो जैसे कि ये जो डेटाबेस मैंने यूज़ किया, ये डेटा का एंट्री तो ऑटोमेटिक हो चुका है, एज नॉर्मल जैसे टेबल में एंट्री हो रहा था वैसे ही एंट्री हो चुका है, बट क्या ये इनवॉइस नंबर हमारी जगह पे आ चुका है, देखते हैं। रिपोर्ट पे जाते हैं एंड लिस्ट को ओपन करते हैं, देखिए इनवॉइस 21 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट जो काम था वो हमने सक्सेसफुली कर लिया, उसके अंदर कुछ नहीं था, सिंपल हमने एक लिस्ट का उसको पहले डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट कर दिए, एंड जो एरिया को मुझे एक्सेस करना उस एरिया का एक नाम मेंशन कर दिए। तो जैसे जैसे टेबल का रेंज इंक्रीज होता जाता है, वैसे ही जो एरिया है उसका भी नाम इंक्रीज हो जाएगा रेंज ऑटोमेटिकली, क्योंकि टेबल डायनामिक होता है। अब चूज करते हैं इसको। अभी हमारे पास जो काम बनता है वो क्या है, वो है कि हमें सबसे पहले अभी इसका डिटेल्स को फेच आउट करना है। तो डिटेल्स फेच आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप इंडेक्स मैच को भी यूज़ कर सकते हो, वी लुकअप को भी यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए, तो आपका जो फॉर्मूला से आप खुद को कंफर्टेबल समझ सकते हो आप उसी से यूज़ कर सकते हो। बट वी लुकअप अगर आप यूज़ करने जाएंगे, तो आपको बेसिकली चूज़ का जो फंक्शन है उसको भी वी लुकअप के साथ इनबिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस में पहले डेट है उसके बाद इनवॉइस नंबर है, बट हम लोग जो फाइंड करना चाहते हैं वो इनवॉइस नंबर के बेस पे डेट, तो बेसिकली उसके लिए आपको वी लुकअप के अंदर चूज लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं सिंपली इंडेक्स मैच पे ही काम करना चाहता हूँ, ताकि वो सीधा सिंपल नॉर्मल तरीके से काम कर दे। तो इधर लिखते हैं हम लोग इंडेक्स, जिसके अंदर एरे हम लोग मेंशन करेंगे हमारा फुल जो डेटाबेस है वो फुल डेटाबेस, सॉरी हमारा जो फुल टेबल का डेटाबेस है फुल टेबल का डेटाबेस। रो नंबर पे हम लोग मेंशन करेंगे मैच। अब मैच का फॉर्मूला काम क्या करता है, नॉर्मली हमें रो नंबर जो भी पोजीशन पे मैच होता है वो पोजीशन हमें रिटर्न करता है। तो लुकअप वैल्यू में हम लोग मेंशन करेंगे हमारे रिपोर्ट 2 में यहाँ पे मतलब ये इनवॉइस नंबर, तो उसका फील्ड का नाम है C6, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि हम लिखने का जगह नहीं है C6। और क्योंकि मैं फॉर्मूला को ड्रैग करने वाला हूँ, तो मैं इस जो सेल रेफरेंस है उसको कर दूंगा फिक्स। इसको कहाँ पे सर्च करना है, ऑटोमेटिकली हम लोगों ने ऑलरेडी इनवॉइस नंबर का लिस्ट बना के रखा है, तो INV लिस्ट मैं वही नेम एरिया को यूज़ कर लेता हूँ, एंड इस जगह पे आएगा 0। ठीक है, तो ये हमें क्या मेंशन कर दिया, रो का नंबर। देन आता है हमारा कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हेडिंग्स का, तो दोबारा लिखेंगे मैच, जिसमें लुकअप वैल्यू आएगा हेडिंग। ठीक है, क्योंकि इस हेडिंग को हम लोग एक्सेस करने वाले, तो हेडिंग एंड लुकअप एरे आएगा डेटाबेस के अंदर जो भी हेडिंग का पोर्शन है, क्योंकि हेडिंग सिर्फ और सिर्फ इतने जगह पे ही मिलेगा, तो हेडर्स एंड देन अगेन 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आ चुका है हमारा डेटा। अच्छा, हमने एक गलती कर दिया कि हमने जो डेटाबेस है उसको पूरा ले लिया है, बट डेटाबेस पूरा लेने पे ऐसा कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमने फॉर्मूला में क्या गलती किया है। Yeah.
हमारा जो मैच का पोर्शन है, वो मैच का पोर्शन मैंने लिस्ट का नाम यूज़ किया है, तो बेसिकली हमारा जो डेटाबेस है वो लिस्ट का नाम यहाँ से मेंशन हो रहा है, तो हमें भी इंडेक्स के अंदर जो डेटाबेस का एरिया है वो यहाँ से लेना पड़ेगा, पर मैंने गलती से हेडिंग को भी इंक्लूड कर लिया है, तो बेसिकली ये बस सिलेक्शन का एक एरर है, तो मैं यहाँ पे बस जो टेबल वन है उसको ही सिलेक्ट करके बस चेंज कर देता हूँ, तभी मेरा जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ चुका है डेट, बट अब बस हमें इसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर देना है शॉर्ट डेट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1/9/2020 आ चुका है, एंड अगर हम लोग इसको ही इधर ड्रैग कर देते हैं तो जो भी उसका डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। अब ये बेसिकली एक नंबर है, तो मैं इसको अभी फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ, इसको नंबर में चेंज कर देता हूँ, तो 45,000। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा डेटाबेस, तो 21 का डिटेल्स है 9 अगरवाल, 45,000 एंड आगरा। एक बार 20 का डिटेल्स भी देखे देख लेते हैं, 25,000 एंड हावड़ा। ठीक ठाक से डिटेल्स को फेच आउट कर रहा है कि नहीं, तो इसको 20, तो देखिए ये डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली सही तरीके से काम कर रहा है। तो फर्स्ट जो दो एग्जाम्पल थे वो दो एग्जाम्पल में हम लोगों ने ऑटोमेटिकली डेटा को एक्सेस कर लिया। कमिंग टू नेक्स्ट, फिल्टर डिटेल्स बेस्ड ऑन कस्टम एरिया। अब ये जो कस्टम डेट का क्राइटेरिया है, ये कस्टम डेट के क्राइटेरिया में स्टार्टिंग डेट हमें एक डालना है, एंडिंग डेट हमें एक डालना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट डालते हैं 1/5/2020, मैं कोई भी डेट डाल रहा हूँ फिलहाल, एंड एंडिंग डेट पे डालता हूँ मैं मान लीजिए 6/5/2020। ठीक है, अब ये दोनों डेट को यहाँ पे, अब इस दोनों को जैसे ही मैं, हाँ जैसे ही मैं इस जगह पे दोनों डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो बटन है इसको प्रेस करूँगा, तो मेरा जो सर्च है वो परफॉर्म हो जाना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए हमें यूज़ करना है एडवांस फिल्टर का, तो हम लोग एक ऐसा मैक्रो बनाएंगे जिसके अंदर एडवांस फिल्टर का काम होगा, बस सिंपल इतना ही चीज़ है। बट उसके लिए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग एडवांस फिल्टर का काम करते हैं, अगर आप मेरा पिछला वीडियो जो कोर्स के ऊपर है, बेसिक कोर्स के ऊपर वो देखे है, तो आपको पता लगेगा कि जो एडवांस फिल्टर का काम है उसके लिए डेटाबेस में जो फील्ड है उसी फील्ड के नेम को लेके काम करना पड़ता है। अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो एडवांस फिल्टर बेसिकली काम नहीं करता है, और मेरा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में ऐसा स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बोल के कोई फील्ड ही नहीं है, सिर्फ एक ही फील्ड है जो है डेट। तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरह ये जो दोनों फील्ड है, इस दोनों फील्ड को समझाना होगा कि ये दोनों फील्ड एक डेट है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं जो आउटर सेल्स है इसका एक हेल्पर सेल को यूज़ करूँगा। तो चलिए यूज़ करते हैं, तो बेसिकली मैं बस अभी जो फॉर्मूला है वो लिखने के लिए मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर को चेंज करके रखता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो मैं इस जगह पे फर्स्ट जो सेल है उसको भी लिखूंगा डेट, सेकेंड जो सेल है उसको भी लिखूंगा डेट, क्योंकि हमें दो डेट का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आएगा स्टार्टिंग डेट, एक आएगा एंडिंग डेट, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे, अब क्योंकि स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट ये कभी सेम डेट भी हो सकता है कि हमें सिर्फ एक ही दिन का डिटेल्स चाहिए, तब हमें स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट को सेम लिखना होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करेंगे जिससे ये जो दोनों डेट का वैल्यू है वो दोनों डेट का वैल्यू यहाँ पे फेच आउट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल सिंपली कोटेशन के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि ये स्टार्टिंग सेल के लिए कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग डेट के लिए कर रहे हैं, एंड उसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे हम, शॉर्टकट कॉन्केटिनेट के ऑप्शन से करते हैं, एंड के ऑप्शन से, आप चाहे तो कॉन्केटिनेशन का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड स्टार्टिंग डेट का सेल जो भी उसका सेल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला जनरेट हो गया कि यहाँ पे जो भी डेट लिखेगा उसका यहाँ पे स्टार्टिंग डेट के वजह से डेटा आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है एंडिंग डेट, सेम चीज़ बट इसमें हम लोग लगाएंगे लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, एंड अगेन कॉन्कैटिनेशन विथ एंडिंग डेट, राइट। तो ये हो गया हमारा जो एडवांस फिल्टर का क्राइटेरिया पोर्शन है, क्राइटेरिया पोर्शन, क्योंकि एडवांस फिल्टर जो काम करता है वो ऐसे कस्टम जो हेडिंग्स नेम है उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, उसको हमेशा डेटाबेस का ही हेडिंग चाहिए, और डेटाबेस का हेडिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे मेंशन कर दिया इस तरीके का चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट आ चुका है, अभी इस एरिया को हम लोग यूज़ करेंगे अपने एडवांस फिल्टर के लिए। तो चलिए अब एक बार पहले ट्राई करते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग मैक्रो के अंदर उसको परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए चले जाएंगे डेटा, देन जाएंगे एडवांस, एंड
यहाँ पे चूज करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, जिसके अंदर हम लोग लिस्ट रेंज में डालेंगे हमारा जो डेटाबेस एरिया है उसका फुल एरिया, ठीक है। एंड जो क्राइटेरिया रेंज है उसमें ये चार सेल। कॉपी टू में हम लोग नीचे का कोई भी एक सेल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये वाला सेल ले लिया, मतलब हमारा C15 का सेल, C15 का सेल, देन हम लोग कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आ चुका है। तो मतलब इस एरिया को एडवांस फिल्टर ऑटोमेटिकली एज ए क्राइटेरिया एक्सेस कर पा रहा है। तो चलिए अब इसके ऊपर बस मैक्रो को जेनरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैक्रो को ऑन, मैक्रो टू, अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए फिल्टर रिजल्ट, आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हैं फिल्टर रिजल्ट। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभी एक चीज़ सोचिए कि आपके पास अभी तो पहले डेटा है, जब अभी फर्स्ट टाइम जब हम लोग एडवांस फिल्टर किए थे तब यहाँ पे कोई डेटा नहीं था, ठीक है, बट जब नेक्स्ट टाइम एडवांस फिल्टर होगा तब यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा को हटा देना चाहिए, क्योंकि पहले का डेटा कितना बड़ा है और मेरा आने वाला डेटा कितना छोटा है वो मुझे नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो डेटा है उसको हटा देंगे। तो उसके लिए सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, ताकि फुल डेटा हर बार ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, राइट क्लिक एंड क्लियर कंटेंट, ओके। तो डेटा हमेशा यहाँ से हट जाएगा। देन जाएंगे हम लोग डेटा टाइप में, एडवांस में, कॉपी टू अनदर लोकेशन, जिसमें लिस्ट रेंज डालेंगे डेटाबेस का, फुल डेटाबेस विथ हेडिंग, क्योंकि हमें हेडिंग भी चाहिए बाद में। फिर हम लोग यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया रेंज है उसके लिए हमने जो कस्टम क्राइटेरिया बनाया वो कस्टम क्राइटेरिया का एरिया, एंड उसके बाद कॉपी टू दिस सेल, ओके, देन क्लिक ऑन ओके। तो हमारे पास दोबारा डेटा आ चुका है, ये हो गया हमारा मैक्रो। कर देंगे मैक्रो को ऑफ, एंड ये जो सर्च बटन है इसको कर देंगे असाइन उस मैक्रो से, असाइन मैक्रो डेट फिल्टर रिजल्ट। मैंने एक अपना और जो एग्जाम्पल तैयार करने के लिए डेट फिल्टर नाम से बनाया था, इस बार मैंने बनाया फिल्टर रिजल्ट, ओके, देन ओके। तो ये हो चुका है हमारा मैक्रो। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, मान लीजिए डेट को मैं चेंज कर देता हूँ 1/1/2020 एंड क्लिक ऑन सर्च। तो हमारे पास 1/1/2020 से लेके जितना भी डेटा था वो डेटा आ गया। चलिए इसको कस्टम डेट पे सर्च करते हैं, जैसे 1/5/2020 2/30/12/20 एंड हिट ऑन सर्च, तो हमारे पास डेटा वो भी आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार एक कस्टम एंट्री करके देखते हैं कि वो डेटा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। जैसे 1/9 को हमारे पास एंट्री है जिसमें इनवॉइस नंबर 2021 है, तो हम लोग एक और 2022 का एंट्री करते हैं, जो डेटा 1/10/2020 को होगा, इनवॉइस नंबर INV/2022, पार्टी नेम इज डी क्रिएशन, इनवॉइस अमाउंट इज 65,000 एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज हावड़ा, सेव। तो डेटा जैसे कि डेटाबेस में सेव हो चुका है, तो अगर हम लोग अभी इसमें सर्च करेंगे दोबारा तो वो डेटा इस जगह पे आ जाना चाहिए। देखते हैं वो डेटा आता है कि नहीं, हिट ऑन सर्च। तो देखिए हमारे पास जो डेटा है इस डिक्रिएशन का न्यू डेटा वो भी आ रहा है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली डायनेमिक बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को डायनामिक बना के काम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर आपका जो रिपोर्ट शीट था उसके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं था। बेसिकली मैंने इसमें भी बना के रखा है, अगर मैं ये जो सेल है इस सेल में जाऊँगा, जस्ट अ मिनट, देखिए ये जो सेल है अगर मैं इस सेल में जाऊँगा तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में चीज़ें दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ज़रूरत है, क्योंकि एडवांस फिल्टर ऐसे कस्टम के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो बस इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना जो ये जो एरिया है इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी चेंज कर देंगे, एंड साथ ही साथ इसका जो फॉन्ट कलर है उसको भी बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देंगे, ताकि ये हमारे सामने दिखे नहीं। तो जो यूज़र है उसको लगेगा नहीं कि ऐसा कोई कस्टम एरिया यूज़ हो रहा है, बट अल्टीमेटली वो जो काम हो रहा है वो कस्टम एरिया के ऊपर। चलिए एक और बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि चेंज होने के बाद ये काम कर रहा है कि नहीं। सर्च, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये था टोटल 3 एग्जाम्पल जिससे हम लोगों ने जो हम लोग डेटाबेस बनाए थे उस डेटाबेस के ऊपर
काम किए, ठीक है। इसका जो पार्ट थ्री आएगा उसमें मैं कोई मैक्रो का चीज शायद नहीं दिखाने वाला, उसके अंदर हम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस का काम करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस का काम मतलब जैसे आज का दिन जो है, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे एंडिंग डेट, अगर मैं यहाँ पे एंडिंग डेट में ये 1/5/2020 है, इसके अंदर फिलहाल मैं चाहूँ तो 1/4/2020 लिख सकता हूँ, बट इसके बाद जो हम लोग रिस्ट्रिक्शंस का काम करेंगे उसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्च रिजल्ट ऐसे एंडिंग डेट जो स्टार्टिंग डेट है उससे पीछे का नहीं हो सकता, ठीक है। इवन यहाँ पे जब हम लोग डेटाबेस में एंट्री कर रहे थे, सॉरी एंट्री पार्ट में, यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा इनवॉइस नंबर यूज नहीं कर सकते जो इनवॉइस नंबर डेटाबेस में ऑलरेडी पहले से जनरेटेड है, क्योंकि हमें यूनिक इनवॉइस नंबर के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसा है कि आपके काम में ये सारा चीज़ें, आपके माइंड में भी ऐसा कुछ है कि आपके काम में ये सारा चीज़ें यूज़ होता होगा कि सर मुझे डेटाबेस में से इस चीज़ को काम करना है या फिर उस चीज़ को करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं अगर वो काम मैक्रो से पॉसिबल है या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह से पॉसिबल है विदाउट वीबीए कोडिंग, क्योंकि मैं अभी वीबीए कोडिंग के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा, तो विदाउट वीबीए कोडिंग अगर वो पॉसिबल है तो मैं ज़रूर उसको कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.